फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और वीडियो को स्किप करके मत जाइए, वरना नुकसान आप ही का है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड, आज की वीडियो है विटामिन ई के कैप्सूल से रिलेटेड। आपने इसकी काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी और विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग अच्छे से नहीं भी जानते हैं। तो आज मैं आपको इसकी खासियत बताऊंगी कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है, कब, कैसे और किस लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको कहीं जाना है, आपको इमरजेंसी कहीं जाना है, जैसे शादी में, पार्टी में, बर्थडे में, तो आपको फेशियल आपने नहीं कराया, आपने कोई भी स्किन पर ऐसा काम नहीं कराया जिससे कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपका लुक बहुत अच्छा सा क्रिएट हो, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप इसका एक कैप्सूल लेकर के रात को अपने फेस पर लगा करके सो जाएं और सुबह आप अपना फेस इतना अच्छा देखेंगे, इतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका कि आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फेशियल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लीच लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई फेस पर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड चलिए इसकी खासियत के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि विंटर अपनी तेज़ी पर है और हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, पैची हो रही है, खिंची खिंची सी हो रही है, तो फ्रेंड आप अपनी स्किन पर दिन में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है, कोई लोशन नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप इस कैप्सूल को उसमें थोड़ी सी एक बूंद मलाई लेकर के, दूध सबके घर में आता है, इस कैप्सूल में मिक्स करें और अपनी स्किन पर अप्लाई करें, तो इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपके डार्क सर्कल हैं, आँखों के नीचे कालापन है, आपके जगह जगह कालापन है, जगह जगह होता है, किसी किसी की स्किन पे ऐसा होता है, तो आप इसको डेली एक हफ्ता यूज़ कीजिए फ्रेंड, दिन में भी और रात में भी, खाली स्किन में। तो अपने हाथों पे, पैरों पे, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फेस के लिए बता रही हूँ आपको। तो फेस पर आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, आपको एक कैप्सूल लेना है, वो सॉरी नीचे गिर गया है, चलो हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड आपको इसका एक कैप्सूल लेना है, ये मैंने कैप्सूल ले लिया है, इसको आपको फाड़ लेना है, ये हमने यहाँ ले फाड़ लिया है और अब हम इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे। आपको इसको डॉट डॉट करके लगा लेना है स्किन पे, मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगा रखा है, थोड़ा सा ये चिपका चिपका सा तो लगेगा, तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड करिए और बहुत अच्छे से आप इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। हमने ये स्किन पे अप्लाई कर लिया है, अब हम 10 मिनट तक इसको स्किन पे छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद हम इसकी धीरे धीरे हाथों से मसाज देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसकी धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में 10 मिनट्स के लिए इसकी मसाज देंगे, जहाँ जहाँ भी आपका कालापन आपको नज़र आ रहा है अपनी स्किन पे, जैसे आँखों के नीचे हो गया, ये होठों के पास हो गया, ये नाक पे हो गया, इधर की साइड में, तो जहाँ जहाँ भी आपके ज़्यादा ज़्यादा सा कालापन है, ब्लैक स्पॉट है आपके, डार्कनेस ज़्यादा है, तो उस जगह आपको ज़्यादा मसाज देनी है। और अब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन को बिल्कुल भी पानी से वॉश नहीं करना है, आपको ऐसे करके सो जाना है और आप सुबह उठ करके देखेंगे आपकी स्किन कितना ग्लो करेगी, चमकेगी, दमकेगी, और आपको कहीं भी जाना है आप इजीली जा सकती हैं और कोई भी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा फेशियल का ही वर्क करता है विटामिन ई का कैप्सूल। और विंटर में तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये, सबसे ज़्यादा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसकी MRP की बात बता दूँ तो 7, 8, 9, 10, ये 10 कैप्सूल आपको 29 रुपीज़ में मिलेंगे, लेकिन आप पहले इसके एक्सपायरी डेट देख लीजिए, कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम इसके अंदर होना चाहिए तभी आप इसको परचेस करें। आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, आप इसका नेम नोट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसका नेम नोट कर लीजिए, 400 mg
में आता है ये कैप्सूल। और फ्रेंड अगर किसी के हेयर लॉस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आप इस कैप्सूल को, एक कैप्सूल को आप 15 डेज तक खाइए, आपको बहुत अच्छा फ़र्क देगा। अगर आपकी स्किन काली पड़ गई है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट हो गए हैं, तो आप एक कैप्सूल इसको खा सकते हैं। ये आपके बालों पे और आपकी स्किन पे बहुत अच्छा फ़र्क करेगा। तो फ्रेंड एक बादाम आप डेली खाइए। अगर आपको अपनी स्किन का ध्यान है, आपको अपनी स्किन पे ग्लो लाना है, तो एक बादाम आप डेली खा सकती हैं और खाना भी चाहिए, क्योंकि बादाम हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। उतने ही प्राकृतिक तत्व बादाम के अंदर होते हैं जो हमें पता नहीं होता और हमारी स्किन पे और बालों पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अगर आपको कुछ भी इस कैप्सूल से रिलेटेड मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।